देखिए छठारस शुरू होता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। यहाँ इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। विभावानुभाव और संचारी भावों के संयोग से, मेल से, जब सहृदय सामाजिक के हृदय के रूप में वासना रूप से विद्यमान भय स्थायी भाव उद्भुत होकर रस रूप में परिणत बदल जाता है, वह होता है भयानक रस। देखिए आपको संक्षिप्त इसकी परिभाषा बताई जाती है कि जहाँ भी आप किसी प्रकार का कोई डरावना दृश्य देखते हैं या डरावनी कोई बात सुनते हैं, जैसे आप जंगल से होकर जा रहे हैं, ठीक है, आपने शेर की दहाड़ सुनी तो उसी दहाड़ को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप में भय उत्पन्न हो गया, तो वहाँ कौन सा रस हो गया, भयानक रस। तो क्या इसका उदाहरण लिखा हुआ है, समस्त सर्पो संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से, खड़े किनारे मनुष्य थे, सभी महा संकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मोदनी में गिरे कई, हुई यशोदा अति प्रकंपिता, प्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गई। देखिए बात उस समय की है, वर्णन उस समय का है कि जब श्री कृष्ण गेंद लाने यमुना में गए, और जैसे ही वो गेंद लाकर वापस बाहर आए, उस समय वो सर्पों के संग घिरे हुए थे, अर्थात सर्पों पर वो नाच रहे थे। उस समय यमुना के किनारे जो ब्रजवासी खड़े हुए थे, उनकी क्या स्थिति हो रही थी उन सर्पों को देखकर, या श्री कृष्ण जो सर्पों से घिरे हुए थे, तो उस समय कुछ ब्रजवासी तो घबराकर भाग रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। माता यशोदा की जो स्थिति हुई वो क्या थी कि वह प्रकंपिता हो गई, वह कांप रही थी डर की वजह से। तो इस प्रकार से देखिए जहाँ भी डरावनी कोई बात सुनते हैं या डरावना कोई दृश्य देखते हैं, तो वहाँ कौन सा रस होता है, भयानक रस। सातवां रस शुरू होता है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा शब्द का अर्थ होता है घृणा, अर्थात नफरत। देखिए यहाँ परिभाषा है, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा सुनकर जुगुप्सा स्थायी भाव प्रकट होता है, जो संबद्ध विभावानुभाव अर्थात विभाव और अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से, मेल से परिपक्व मजबूत अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में बदल जाता है। देखिए विभत्स रस कहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ आपने घृणा से संबंधित कोई भी दृश्य देखा, कोई भी बात सुनी या कोई भी वस्तु देखी, तो आपके मन में स्वतः ही नफरत का भाव उत्पन्न होता है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है, विभत्स रस। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, कहूँ धूम उठत वर्ती कत हूँ चिता, कहूँ होत शोर कहूँ अर्थी धरी है, कहूँ हाड परो कहूँ जरो अजरो मांस, कहूँ गीत भीर मांस नोचत हरी अह। देखिए ऐसा आपने कोई दृश्य देखा कि कहीं तो धुआं उठ रही है और कहीं चिताएं जल रही हैं, कहीं शोर हो रहा है, चिल्लाहट चीखने की आवाज आ रही है, तो कहीं अर्थी धरी हुई है, रखी हुई है, कहीं हाड पड़ा हुआ है, तो कहीं मांस पड़ा हुआ है, जरा और अजरा हुआ, अर्थात जला कुछ जला हुआ है और कुछ अध जला हुआ है। कहूँ गिद्ध भीर मांस नोचत अरी अह, और उस मांस को कहीं गिद्ध नोच रहे हैं, कहीं चील नोच रही है, और कहीं मोर नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही काफी था, बाकी जो रस बच गए वो आपको अगली क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।